بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين صلاة وسلاما عليك يا أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم المعصومين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا ودراتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم मोहतशम सामीन हज़रात, नहायत ही पुरमसरत लम्हात थे कि खालिक कायनात की बंदा नवाजियों और उसके हबीब करीम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपकी रहमतों और बरकतों से आज इस आरास्ता और शाइस्ता माहौल में हम कुरान और सुन्नत के मिजाज को जामिया मदीनतुल इल्म के प्लेटफॉर्म से आपके सामने बयान कर रहे हैं। खालिक कायनात एकाक हक और इब्ताल बातिल के लिए कोशां रहने की और हमारे जज्बों को सलामती अता फरमाए। आज जिस हस्ती के ज़ेरे साया ये सारा मंज़र आपको नज़र आ रहा है, हज़रत उस्ताज़ुल असातिज़ा बहरुल उलूम मौलाना मोहम्मद नवाज़ अहमद नक्शबंदी नव्वरल्लाहु तुर्बतहू, उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी तहसील इल्म के लिए सरफ कर दी और दीन इस्लाम की तरवीज व इशाअत और इसकी तालीमात के लिए, इसकी अकदार की इहया के लिए दिन रात एक कर दिया। किस किस कोने में जाके उन्होंने इल्म दीन हासिल नहीं किया, किस किस मारिफत के खिरमन से उन्होंने खोशा चीनी नहीं की, कुरान और सुन्नत के मिजाज को अपने असलाफ के रिवाज में बयान करने के लिए किस किस घाटी से उन्होंने पानी नहीं पिया। अजीजा ने मोहतशम, जिंदगी का सबसे महबूब तरीन दौरानिया कुरान पढ़ने, कुरान सुनने, कुरान सुनाने और कुरान को सिखाने के लिए सरफ कर दिया। उस्ताज़ुल उलमा बहरुल उलूम मौलाना मोहम्मद नवाज़ अहमद नक्शबंदी सारी जिंदगी इल्म दीन पढ़ाते रहे। इस्लामिक जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू एंड इस्लामिक एजुकेशनल सिस्टम के एहया के लिए इस तरह का निज़ाम उन्होंने उम्मत को राइज करके दिया। इस बात का मिस्ताक बन गए कि हक ने कर दी दोहरी खिदमतें तेरे सपुर्द, खुद तड़पना ही नहीं औरों को तड़पाना भी है। खुद सरापे नूर बन जाने से कब बनता है काम, जुल्मत कदे दहर में ये नूर फैलाना भी है। मुअज्जज़ व मुक्तज़र सामीन, इस्लाम का निजाम तालीम और मगरब का निजाम तालीम, इसके अंदर जमीन व आसमान का फर्क है। एक तरफ हमें मगरिब की फिनंशियल डिवेलपमेंट के नाम पर बेजा दावे
और तरक्की के बुलंद बांग नारे नजर आते हैं। साथ ही वो ये ऐलान करते हैं कि हमारे जो जद्दे अमजद लॉर्ड मैकाले, जो खन्नास किस्म का इंसान था, उसने जो निज़ाम तालीम दिया है, उस निज़ाम तालीम को पाकिस्तान में हमने इम्प्लीमेंट किया तो पाकिस्तान को तरक्की और उरूज की वो मनाजिल अता हुई जो इससे पहले नहीं मिली थी। लेकिन हकीकत बिल्कुल इसके बरक्स है, हकीकत बिल्कुल इसके बरक्स है। अजीजा ने मोहतरम, उस निज़ाम की क्या बात की जाए जिसके अंदर सवाल ही सवाल है, उस निज़ाम के हवाले से क्या डिस्कशन की जाए जिसमें मर्द और जन के इख्तिलात को प्रोटोकॉल दिया जाता है, उस निज़ाम की क्या बात की जाए जिसके अंदर ना कुरान है ना सुन्नत है, बल्कि कुरान और सुन्नत की अकदार की दचियां बखेरी जाती हैं। मैं आपको ले चलता हूं उस निज़ाम की तरफ जहां का उस्ताद भट्टी के ऊपर बैठकर काल अल्लाह व काल रसूल पढ़ाते हुए सुफा की यूनिवर्सिटी से इक्तिसाब फैज भी करता है, रब्बे जुल जलाल के अनवारो तजल्लियात से नूर भी हासिल करता है। ऐसा अजीम माहौल। और जहां तक बात है हमारे इस्लामिक एजुकेशनल सिस्टम और इस्लामिक जुडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू की, तो तुम बात करते हो कि लॉर्ड मैकाले और इसी तरह के जो तुम्हारे दूसरे मगरबी मुफक्किरीन हैं जिनके बलबोते पर तुम अपनी इस खन्नास को और खुबसे बातिन को छुपाते हो कि हमने मिल्लत को और कौम को एक बहुत निज़ाम दिया है, एक तरतीब दी है जिंदगी गुजारने की, उनकी बात कर लो। तुम कहते हो लॉर्ड मैकाले ने बहुत निज़ाम दिया है। मैं कहता हूँ तुम्हारी बातें तुम्हारे सामने, लेकिन हम अपनी बात नहीं करते, हम बात करते हैं उस सरवरे कायनात की कि जिसके अनवार की, जिसके तजल्लियात की एक झलक देखने के लिए सारा आलम बेताब रहता है, सारा आलम मुनव्वर कर दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने। आज सवाल यह है, आज हमारा उनके ऊपर ऑब्जेक्शन ये है कि जो कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और जो इदारे बच्चों को 16 साल के बाद एक डिग्री देते हैं, उस डिग्री के साथ बच्चे के अंदर क्या तब्दीली आती है? अजीजाने गिरामी, और तो कोई तब्दीली नहीं आती, बच्चा इंसान बनने के काबिल नहीं रहता, इंसान बनने के काबिल नहीं रहता। जो पैदाइश के वक्त फितरत के अंदर उसको इस्लाम की रमक मिली थी, घर के इस्लामी माहौल में माँ ने उसको अपना जेवर बेचकर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भेजा था, किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा है शहर में आकर पढ़ने वाले भूल गए। वालिदा ने, वालिद ने खून पसीने की कमाई एक करके अपने बच्चे के रोशन मुस्तकबिल के लिए उसको कॉलेज में दाखिल करवाया, लेकिन तुम्हारे इस ज़बूं हाल निजाम ने उसको ऐसा दजियां बखेर कर जलील और रुसवा दिया कि वो इंसान बनने के काबिल भी नहीं रहता। अजीजाने गिरामी, जो मजहब का तशक्कुस बच्चे को बचपन में हासिल होता है डिग्री हासिल करने के बाद, उसके अंदर से वो मजहब का तशक्कुस भी खत्म हो जाता है। हमारे पास आइए, हम आपको ऐसा निज़ाम देते हैं, कुरान की ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, मजहब के नाम पर हम लोगों के जज्बात से नहीं खेलते, हम ऐसा इस्लामिक आर्डर एंड लॉ पेश करते हैं, रूल एंड रेगुलेशन बयान करते हैं, चेक एंड बैलेंस है हमारे पास, कि हमने हिफ्ज़े मरातिब का ऐसा मेयार रखा हुआ है कि जो भी कुरान पढ़ता है उसके सर पर अजमतों के ताज रख दिए जाते हैं, अजमतों के ताज रख दिए जाते हैं। आज तुमने उन गंदगी और गलाजत से भरपूर अकवाम की तरफ देखकर अपना किबला नहीं बदलना, आज तुमने उन लोगों को अपने इस मुसलमान मेयार और मुसलमान जो तशक्कुस है उस पर तरजीह नहीं देनी, जिन लोगों के फादर के खाने में आइडेंटिटी कार्ड पर जो फादर का खाना है ना उसके अंदर कोई नाम नहीं लिखा होता, उनको अपने वालिद का नहीं पता होता, वो हमें तहजीब की मिसालें देंगे, तुम क्या तहजीब की मिसालें दोगे? तुम्हें तो अपने बाप का नहीं पता, तुम्हारा बाप तुम्हारे सामने नहीं है, तुम्हारी माँ को पता नहीं कि कितने बंदों के साथ उसने हम बिस्तरी करके और तुम्हें जन्म दिया है, और तुम इस्लामिक रूल एंड रेगुलेशन के ऊपर ऑब्जेक्शन करते हो? बिल्कुल नहीं। तुमने इन चमचमाती हुई और जाहिरी शानो शौकत शकोह हशमत के सामने
अपना किबला नहीं बदलना। मैं तुम्हें फरमाने मोहम्मद अरबी सुनाता हूँ। हुजूर अकरम नूरे मुजस्सम शफीए मुअज्जम मोहसिने कायनात जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं, मा मिन मुतअल्लिमिन यख्तलिफु फी बाबिल आलिम इल्ला कतबल्लाहु लहू बिकुल्ली कदमिन इबादत सनतिन अव कमा काल। मुस्तफ़ा करीम आका जाने जाना फरमाते हैं कि एक तालिबे इल्म, अब देखो अपना निज़ाम देखो और हमारा रिवाज देखो, रसूलुल्लाह ने कैसा मिजाज उम्मत को अता किया है। तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ाते हो, 15-15 साल 16-16 साल बाद भी जाकर तुम्हें कोई समझ नहीं आती कि ये इंसान है या कोई और मखलूक है। लेकिन मेरे हबीब ने फरमाया कि जो बच्चा तलबे दीन के लिए किसी आलिम दीन के पास पहुँचता है, सिर्फ एक कदम चलने पर रब्बे जुल जलाल एक साल की इबादत का सवाब अता फरमा देता है, एक साल की इबादत का सवाब अता फरमा देता है। आगे फरमाया कि एक साल की इबादत का सवाल तो सवाब तो एक जगह पर, लेकिन जिस वक्त वो अपनी मंजिलों को तय करता है उसके साथ साथ रब्बे जुल जलाल एक एक कदम के बदले, ये तफसीर कबीर में इमाम राजी हजरत अनस बिन मालिक से रिवायत करते हैं, एक एक कदम के बदले रब्बे जुल जलाल जन्नत में उसके लिए एक एक शहर आबाद फरमा देता है। मोहतशम सामीन हजरात, आज इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम के ऊपर हर तरफ से हमले किए जा रहे हैं, कहीं से कुफ्र शिरक की यलगार, कहीं से फिनंशियल डिस्कशन के नाम पर उम्मत मुस्लिमा के वकार को मजरू किया जा रहा है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि मदरसा क्या है। हजरत इकबाल ने कहा था, खुर्शीद जहाँ ताप की जो तेरे शरर में, जचते नहीं बख्शे हुए फिरदौस नज़र में, जन्नत तेरी पिन्हा है तेरे खून जिगर में, आबाद है एक ताज़ा जहाँ तेरे हुनर में। हजरत इकबाल की इस जुबान को और इस फिक्र को अपने जहन नशीन कर लीजिए। आखिर पे कंजुल उलामा मुफक्किर इस्लाम बहरुल उलूम डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली अदामल्लाहु ज़िल्लहु आपके अल्फाज के साथ इख्तिताम करता हूँ। आप फरमाते हैं, मदरसा क्या है? मदरसा तो है तलाश इल्म के तालाबों का नाम, मदरसा है फैज के सैलाबों का नाम, मदरसा तो है तलाश इल्म के तालाबों का नाम, मदरसा है फैज के पुरकैफ नजारों का नाम। काबाए अफकार की तत्हीर क्या है मदरसा? किबलाए अजकार की तज़कीर क्या है मदरसा? कुदसियों के रूप में इंसान बनते हैं यहाँ, लश्कर इस्लाम के तो शेर पलते हैं यहाँ। कुदसियों के रूप में इंसान बनते हैं यहाँ, लश्कर इस्लाम के तो शेर पलते हैं यहाँ। जिंदा है हर दम जज्बा ईमान होता है यहाँ, अल्लाहु अकबर कहकशां के नूर का सामान होता है यहाँ। कौन कहता है मुकफ्फल हो सकेगा मदरसा? आज तुम मदारिस को अपने अंडर करने की और दर पर दा मदारिस को खत्म करके, इंग्लिश मुफक्किरीन ने अपनी किताबों में लिखा है कि आज हमें सबसे ज्यादा तकलीफ इस मुसलमान से है, इन मदारिस से है। जब तक इन मदारिस को, इन इस्लाम के कलाओं को खत्म नहीं किया जा सका, हम मुकम्मल तौर पर अपना जो मगरबी निज़ाम है उसको राइज नहीं कर सकते। लिहाजा तुम ये जो खोखले नारे हैं मजहब को अपने अंडर में करने के, मदारिस दीनिया जो इस्लाम के कलाए हैं उनको अपने अंडर में करने के, तुम्हारी ये जो चांदनी की तरह चमकती हुई तुम बातें करते हो, नहीं नहीं, हुजूर ने फरमाया मुसलमान किसी सुराख से दूसरी मर्तबा डसा नहीं जा सकता। तुम मोमिन हो, तुम्हारा ये मेयार है, एक मर्तबा जहां से तुम्हें कोई वाबस्तगी खत्म कर ली जाए वहां तुमने दोबारा नहीं देखना। कौन कर सकता, कौन कहता है मुकफ्फल हो सकेगा मदरसा? जब तलक है रूह मिल्लत तब भी होगा मदरसा। कौन कहता है मुकफ्फल हो सकेगा मदरसा? जब तलक है रूह मिल्लत तब भी होगा मदरसा। आसमां होगा सहर के नूर से आईना पोश, और जुल्मत रात की सीमाब पा हो जाएगी, फिर दिलों को याद आ जाएगा पैगाम सुजूद, फिर जबी खाके हरम से आशना हो जाएगी। आसमां होगा सहर के नूर से आईना पोश, और जुल्मत रात की सीमा पा हो जाएगी। वमा अलैया इल्लल बलागुल।